सोमनाथ का मंदिर गुजरात की पश्चिमी समुद्री तट पर वेरावल के पास मौजूद है, जिसकी गिनती भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान में इस मंदिर का पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि सोम का मतलब है चांद और नाथ का मतलब है देवता, और यूं इसका असल नाम सोमनाथ यानी चांद का देवता बन जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चांद के देवता से कोई ऐसी गलती हुई थी जिस कारण उन्हें यहाँ पर महादेव के लिंग यानी शिवलिंग की मूर्ति बनानी पड़ी। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम यानी चंद्रदेव ने प्रजापति राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन अपनी सभी पत्नियों में वह रोहिणी नाम की पत्नी को सबसे अधिक प्यार और सम्मान दिया करते थे। अपनी बाकी बेटियों के साथ ये अन्याय होता देख गुस्से में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि अब से हर रोज तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। इस श्राप के बाद हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव की आराधना से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और चंद्रदेव के श्राप का निवारण कर दिया। कहा जाता है कि चंद्रदेव का कष्ट दूर होते ही उन्होंने भगवान शिव की स्थापना यहाँ करवाई और तब से यहाँ विराजित भगवान शिव भोलेनाथ भंडारी का नाम सोमनाथ पड़ गया। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, इस कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। इस मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे कि तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पदचिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर मारा था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार से संबंध रखने वाले एक शायर फर्रुखी सिस्तानी लिखते हैं कि सोमनाथ नाम की ये मूर्ति दरअसल सऊदी अरब के खानाए काबा में रखे उन 3 बुतों में से एक थी, जिनका नाम लात, मनात और उज्जा है। फर्रुख सिस्तानी के मुताबिक अरब में इस्लाम धर्म के आने के बाद मौके पर ही लात और उज्जा को तोड़ दिया गया था, लेकिन मनात नाम के इस बुत को किसी तरह गुजरात लाया गया। बाद में इस मूर्ति की पूजा शुरू की गई और यहाँ के लोगों ने इस मूर्ति को सोमनाथ का नाम दे दिया। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि महमूद गजनवी ने जिस मूर्ति को तोड़ा वह दरअसल मूर्ति नहीं बल्कि एक शिवलिंग था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब और किसने किया ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। विदेशी ताकतों द्वारा यह मंदिर कई बार गिराया गया था। इस मंदिर का दूसरी बार निर्माण गुजरात के यादव राजवंश के लोगों ने किया था, जिसे सिंध के अरबी गवर्नर अल जुनैद ने फिर से तबाह कर दिया। 815 ईस्वी में राजा नागा भट्ट ने इसका निर्माण किया। सोमनाथ मंदिर के अंदर भारत की लगभग सभी रियासतों के राजा महाराजाओं के महल थे, जिनमें वे अपनी यात्रा के दौरान ठहरा करते थे। राजमहलों के साथ ही सोमनाथ के पुजारियों और ब्राह्मण पंडितों के भी महल थे, जो किसी भी लिहाज से राजाओं के महलों से कम नहीं थे। सोमनाथ का सबसे आलीशान महल इस मंदिर के सबसे बड़े पुरोहित
यानी महापुरोहित का था। महापुरोहित के महल के साथ ही सोमनाथ का मंदिर था, जिसमें एक चबूतरे पर सोमनाथ की मूर्ति थी। इस मंदिर की दीवारों पर बेशकीमती हीरे जवाहरात और मोती गड़े हुए थे। खुद इस मूर्ति के ऊपर भी बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। इस मंदिर में पूजा के समय बजाए जाने वाली घंटियों पर भी सोने का पानी चढ़ाया गया है। यहाँ सोमनाथ की मूर्ति के साथ कई देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां मौजूद हैं और यहाँ पर हर समय 1000 से भी ज्यादा पंडित यात्रियों को पूजा पाठ सिखाने के लिए मौजूद रहते थे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा बढ़ चढ़कर की जाती है। मूर्तियों को नहलाने के लिए हर रोज गंगा जल मंगवाया जाता था और इन्हें फूलों से सजाने के लिए सैकड़ों ताजे फूल कश्मीर से मंगवाए जाते थे। सोमनाथ का ये मंदिर 16 बार मुसलमानों के हाथों तबाह हुआ। इन सभी हमलों में सबसे मशहूर हमला सुल्तान महमूद गजनवी का माना जाता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय चीज यहाँ पर मौजूद शिवलिंग है, जो काले रंग का है और लोहे का बना हुआ है। 5 गज लंबा और मनोवसनी यह शिवलिंग बिना किसी जंजीर के सहारे हमेशा हवा में तैरता रहता था। इसी कारण से सोमनाथ का मंदिर काफी चमत्कारी माना जाता रहा है, क्योंकि उस समय आज की तरह टेक्नोलॉजीज का जमाना नहीं था। मुसलमान लोग इस शिवलिंग के हवा में तैरने के पीछे शैतानी ताकतों का या फिर जिन्नात का हाथ मानते हैं। जब महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया तो वह इस शिवलिंग को देखने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ, लेकिन बगैर किसी सहारे के उसे हवा में तैरता देख वह भी हैरत में पड़ गया, क्योंकि इसके पीछे का कारण उसे भी समझ नहीं आया। बाद में उस समय के मशहूर वैज्ञानिक अलबेरूनी को बुलाया गया। अलबेरूनी ने इस मंदिर का मुआयना किया और इसकी छत से चंद ईंटें निकलवा दी। अलबेरूनी के कहने पर जहां से इस मंदिर की ईंटें निकाली गईं, ये शिवलिंग उसी तरफ झुक गया और जमीन के करीब आ गया। फिर अलबेरूनी ने सुल्तान महमूद गजनवी से कहा कि इस शिवलिंग के उड़ने में कोई चमत्कार या शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि मंदिर के पुरोहितों ने काफी मेहनत से यहाँ पर बड़े बड़े चुंबक लगाए हैं, जिस कारण ये शिवलिंग हवा में तैरता रहता है। इसके बाद अलबेरूनी के कहने पर वह सभी चुंबक वहां से निकाल दिए गए, जिसके बाद ये शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। ऐसा भी कहा जाता है कि इस तैरते हुए शिवलिंग के रहस्य का खुलासा अलबेरूनी ने नहीं, बल्कि इसी मंदिर के एक पुरोहित ने किया था, जिसने पैसों की लालच में आकर सुल्तान महमूद गजनवी को मंदिर की हकीकत से आगाह कर दिया। इसके बाद सोमनाथ का ये मंदिर कई बार तबाह और आबाद किया गया, लेकिन दोबारा ऐसी शानो शौकत नहीं हासिल कर सका जो इसे महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले हासिल थी। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आदि अनंत है। इसका सर्वप्रथम निर्माण आज तक एक रहस्य है। हर काल में इस मंदिर को बुरी ताकतों ने लूटा और शिवलिंग को खंडित किया गया। इन सब के बावजूद आज भी अपने भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर में विराजित शिवलिंग और ये मंदिर पूरे भव्यता के साथ इस दुनिया के सामने खड़ा है। यह मंदिर उन सभी बुरी ताकतों के लिए एक मिसाल है और सबसे बड़ा उदाहरण है, जो ये दर्शाता है कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत हमेशा उजाले की ही होती है, और चाहे कितनी भी बुराई हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में इस भव्य सोमनाथ मंदिर का दर्शन जरूर करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी में अगर कुछ गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।